Hallelujah. Praise the Lord. 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 पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके पास आते हैं खुदा और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करते हैं। संध्या कालीन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। हर बीमारी तकलीफ से, हर एक्सीडेंट और इंसिडेंट से आपने हमें बचाया है, रक्षा किया है। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और जय जयकार करते हैं क्योंकि आप महान और जीते खुदा हैं। मेरे प्रिय इस संध्या कालीन के लिए पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें, यीशु मसीह का आदर करें जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और उसने हमें पूरे दिन भर संभाला, हर तकलीफ से, बीमारी से और अंधकार की शक्तियों से बचाया, जीवित रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने हम सभी को संभाला है। अपने बिस्तर में जाने से पहले, विश्राम करने से पहले पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन में मुसीबतें आने से वो रोकता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, एक स्त्री थी जो 12 साल से बीमार थी और उसे लहू बहने का रोग था। मेरे प्रियो, वो बहुत ही तकलीफ में थी, मुसीबत में थी, वो विलाप करती थी, वो रोती थी, वो तिल तिल मर रही थी और वचन ये बताता है कि उसने बहुत सारे वैद्यों से, बहुत सारे डॉक्टरों से उसने दुख पाया। प्रेज द लॉर्ड, उसने सारा धन लुटा दिया अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। वो सोचती होगी कि मेरे विलाप के दिन कब खत्म होंगे, मेरे दुख और मुसीबत के दिन कब खत्म होंगे, मेरे जीवन से ये बीमारी कब खत्म होगी, मेरे जीवन से ये विलाप कब खत्म होगा। प्रेज द लॉर्ड, इसी तरह यदि आप सोचते हैं तो आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी ही तकलीफें होती है, मुसीबतें होती है जो हम सोचते हैं कि कब मेरी चिंताएं, कब मेरी विलाप के दिन, कब मेरे दुख के दिन खत्म होंगे, कब मेरे दुख के दिन समाप्त होंगे, कब मैं इस बीमारी से, इस गरीबी से, इस परिस्थितियों से मैं कब निकलूंगी, कब निकलूंगा, ये हम सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको पता है जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और ये मन में कहती थी कि मैंने अब बहुत दुख उठा लिया, मैंने बहुत दुख सह लिया, मैंने बहुत विलाप कर लिया, मैंने बहुत रो लिया, मेरा पूरा धन खर्च हो गया, मैंने डॉक्टर और वैद्यों से बहुत दुख उठाया, अब बस, प्रेज द लॉर्ड, अब बस, अब मैं इनसे दुख नहीं उठाऊंगी, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगी, ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाऊंगी जहां मुझे दुख मिलता है, ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाऊंगी जहां मुझे तकलीफ होती है, जहां मुझे रोना पड़ता है, जहां मुझे तिल तिल मरना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, उसने खुदा पर विश्वास किया, पिता के ऊपर विश्वास किया, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यदि आप
ऐसी परिस्थितियों में हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप दुख उठा रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, आप तिल तिल दुख उठा रहे मर रहे हैं, तो प्रभु के करीब आइए, पिता के करीब आइए, आपके विलाप के दिन खत्म होंगे, आपके दुख के दिन खत्म होंगे, आपकी परेशानियों के दिन खत्म होंगे, आपकी मुसीबतों का दिन खत्म होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहती थी कि मैं यीशु मसीह के कपड़े के कोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय उसके 29 पद में से लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों अच्छी हो गई है, क्यों उसकी बीमारी ठीक हो गई, क्यों उसके विलाप के दिन खत्म हो गए? क्योंकि उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भरोसा किया और उसके कपड़े को छोड़ को छुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और मन में विश्वास करें, दिल में विश्वास करें कि प्रभु ही मुझे छुटकारा दे सकता है, प्रभु ही मेरे विलाप को खत्म कर सकता है, यीशु मसीह ही मेरे मुसीबतों के दिन को खत्म कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा पवित्र परमेश्वर कहता है मैं तेरे विलाप के दिनों को समाप्त करूंगा और मैं यहोवा ये सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके जीवन के सारे दुख और सारी मुसीबतें खत्म होंगी यदि आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का रक्षक है, वही मेरे जीवन को बचाने वाला है और वही मेरे विलाप को खत्म करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसका बीमारी से उसे चंगाई मिल गई। मेरे प्रियो, वो उसने जान लिया कि मैं इस बीमारी से छुटकारा पाए हूँ, मैं इस बीमारी से छुटकारा पाए हूँ, मैं इस तकलीफ इस विलाप से छुटकारा पाए हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आज आप विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके विलाप को खत्म करेगा, सारा विलाप आपके जीवन से खत्म होगा, आपकी सारी तकलीफें खत्म होंगी। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, तो आशीष दे प्रभु, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे प्रभु, यदि आज ऐसी परिस्थितियों में हैं, बीमारी और कमजोरी और पिता परमेश्वर गरीबी कर्ज में हैं, वो विलाप कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके विलाप के दिन खत्म हो जाए, उनकी चिंता खत्म हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए। नाना प्रकार की बीमारियों से आज जो ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, सामर्थ्य को प्राप्त करे, तेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। खुदा यीशु के नाम से आज उनके जीवन से विलाप खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए, मुसीबतें खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, विश्वास करें, आज आपके शरीर में से सारा तकलीफ, सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज जितने भी कर्ज में दबे हैं, बोझ से दबे हैं, प्रभु आज उनके विलाप खत्म हो जाए, उनके टेंशन खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू जॉब दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप छू लीजिए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे, और पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे, टॉपर कीजिए। जॉब और बिजनेस करने वाले भाई बहनों को आशीषित कीजिए, उनका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनको आशीषित करें, उनकी चिंताओं को दूर करें, उनके विलाप को खत्म करें, उनके कर्ज को खत्म करें, और परमेश्वर पिता उनकी फसलों में उन्हें आशीषित करें यीशु मसीह के नाम। जितने भी आज
कोर्ट कचहरी में फंसे उन्हें छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु, उनके विलाप के दिन समाप्त हो जाए, यीशु के नाम से दुख के दिन समाप्त हो जाए। प्रभु आप आशीषित करें, पिता परमेश्वर जितने भी निसंतान है प्रभु उन्हें आशीष दे, आशीष दे, उन्हें संतान दे, उन्हें वंश दे, आशीषित कर, उनके जीवन से सारे विलाप खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा राशिखा न लराबा राधा न लराथी न लराबा, प्रभु यीशु आप आशीषित करें, प्रभु यीशु आप आशीषित करें। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना, प्रादर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, विलाप होता है, ओ पिता परमेश्वर टेंशन होती है, क्लेश होता है, तो प्रभु यीशु के नाम से उन परिवारों में सुख और शांति दे प्रभु, सुख और शांति दे प्रभु यीशु के नाम से। उन परिवारों में से क्लेश संकट मुसीबतें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन परिवारों को क्लेश से, संकट से, दुख से, विलाप से तो आजाद कर दे प्रभु यीशु के नाम से, और विशेष करके नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, उनके मनों को परिवर्तन कर, परिवर्तन कर, वो तुझ में आए प्रभु, तुझ पर भरोसा करे, तुझ में विश्वास करे, तेरी संतान बनने के लिए मैं प्रार्थना करते हूं। पति पत्नियों के जीवन को पिता परमेश्वर बदल दे, जो लड़ाई झगड़ा करते एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के संग रहे प्रभु यीशु के नाम से। और उन जवानों के विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अभी भी पिता परमेश्वर जवान है और शादी लायक हो चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता तूने प्रार्थनाओं को सुना, तेरे दास और दासियों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, और तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। उनकी सेवकाई जो है प्रभु यीशु के नाम से, जो कलीसिया तूने दे रखी है उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना होने पाए, कभी भी प्रबल ना होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा राशिखा ना लराथी ना लराबा, यीशु के नाम से आशीष दे। इस रात्रि में तू स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, आशीषित कर, हर एक के जीवन में से विलाप खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए, मुसीबतें, तकलीफें, टेंशन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर स्वप्न और दर्शन से बात कर, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मचंद ने बोला आमीन। जिस प्रकार इस बहन ने विश्वास किया और अपने बीमारी से छुटकारा पाया, अपनी बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया, उसी प्रकार आप विश्वास कीजिए, आप गरीबी से, कर्ज से और बीमारी से छुटकारा पाओगे, आपके विलाप खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में बने रहें। आमेन, आमेन, आमेन।